नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। चलिए आज दिखाते हैं आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नवनियुक्त राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के बघा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। श्री दुबे दिल्ली से सप्त क्रांति ट्रेन से गोरखपुर पहुंचे, जहां से बाई रोड मदनपुर देवी माई स्थान पर पहुंचकर माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद एक जुलूस के साथ सीधे बघा अनुमंडल पहुंचे, जहां भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद श्री दुबे गांधी नगर चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पदयात्रा करते हुए बघा स्थित श्री राम गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वाल्मीकि की तपोभूमि मेरी जन्मभूमि है, इसको मैं किसी सूरत में नहीं भूल सकता। राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी मेरी पहला आगमन बघा में हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी कि अपने कार्य की शुरुआत भी मैं यहीं से करूं। मेरे पिछले 5 साल के कार्यकाल में जनता व कार्यकर्ताओं ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, उसको मैं आजीवन याद रखूंगा और मेरी पहली प्राथमिकता जनता की सेवा करना रहेगा। इसके बाद सांसद का कारवा चौधरावा लोरिया होते हुए नरकटियागंज के लिए प्रस्थान किया गया। कारवे के साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजेश सिंह, वाल्मीकि नगर विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, छोटे तिवारी पवन सिंह, अमरेश श्रीवास्तव, सोमेश पांडे, ओम निधि वत्स, सतीश वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बघा से रवीश मिश्रा की रिपोर्ट। रूप में काम किए अब राज्यसभा सांसद के रूप में कैसी पारी होगी? अच्छा होगा, पहले से दमदार है। कैसे देखते हैं इस वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र को राज्यसभा एमपी के रूप में? देखिए, अब यहाँ मेरा जन्म धरती है, इस चंपारण से तो मेरी पहले से ही लगाव है और आज पूरे बिहार की जिम्मेवारी मिली है, बिहार के साथ साथ देश की भी जिम्मेवारी मिली है। इसलिए हम देश को देखते हुए, बिहार को देखते हुए वाल्मीकि नगर की भी प्राथमिकता मेरी रहेगी, चंपारण की भी प्राथमिकता रहेगी।